13 घोषणाएं आपने की है, कैसा रहा ये कार्यकाल? कार्यकाल हालांकि एक महीने का समय बहुत कम होता है, लेकिन एक महीने में जो हमने निर्णय लिया है वो जनता के सामने हमने रखा है और इसका मूल्यांकन तो जनता ही करेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत जो लोगों की अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप ये निर्णय लिए गए। आपने चिट्ठी लिखी है आम लोगों को, जनता को चिट्ठी, एक पाती लिखी है आपने, क्या बताना चाहे, क्या मैसेज है? संदेश यही है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाए, मजबूत छत्तीसगढ़ बनाए और सब मिलकर काम करें। सर आपने 26 जनवरी जो है ग्राम सभा आयोजन है, 26 जनवरी को आपने कहा कि ग्राम सभा तय करें और धान की जमीन और चारा खाने सरकार भी मदद करेगी उसमें। देखिए ग्राम सभा को अधिकार होता है और 26 तारीख को ग्राम सभा होना ही है, लेकिन निर्माण के लिए और चारागाह बहुत सारे जगहों में शामला चारागाह है उसे बूथ है ही, लेकिन अन्य जगह तो यहाँ नहीं है उसे चिन्हित करें ताकि उसको चारागाह के रूप में डेवलप कर सकें। सामान्य वर्ग के आरक्षण को लेकर जो बीजेपी है वो कह रही है कि उसको लागू करना चाहिए प्रदेश में, प्रदेश में जाति जन अनुपात के साथ साथ देखिए हम केवल समाचार जो लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया है उसकी कापी हमारे पास आई नहीं है, और उसके बाद फिर कुछ कहने की स्थिति में। सर एक लास्ट सवाल, उज्ज्वला गैस को आपने कहा कि जिस तरीके से अभी उज्ज्वला गैस केंद्र सरकार चला रही है, रिफिलिंग नहीं हो पा रही है, आपने एक गोबर ईंधन का जरूरत नहीं है ऐसा? देखिए जब आप कोई सस्ता चीज आपको उपलब्ध करा देंगे और गाँव से ही उत्पादन होगा, गोबर गैस प्लांट पहले भी लगता था वो इंडिविजुअल था, अब इसको सामूहिक रूप से जब पूरे गाय मवेशी के एक जगह रखेंगे, गोबर भी इकट्ठा होगा और उससे गोबर गैस प्लांट लगा दें तो गांव के लोगों को सस्ता में मतलब आपको भोजन पकेगा। अच्छा इसमें सर फॉरेस्ट देखिए उसके बाद ये है किसान जो फसल लेना चाहते हैं वो फसल ले, वही बात हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें सामने लाना चाहिए जिसे जो चीज़ ज़्यादा लाभकारी हो वो सब चीज़ें हम लोगों को हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से लाना चाहिए। बीजेपी जो है जो चुनाव हार चुके हैं सबका क्वेश्चन उठा करके 11 सीट जीतना चाहते हैं, वो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, वो लक्ष्य तय करते हैं प्राप्त करते हैं। 65 प्लस उन्होंने कहा था, हम 68 सीट जीते, उन्होंने कहा था आखिरी गेंद में छक्का मारना है, छक्का हम लोगों ने लगाया और अभी उन्होंने 11 सीट हम जीतेंगे, वो लक्ष्य हमारे लिए। लोकसभा क्या 5 साल में भी वादे पूरे नहीं हो पाए? ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजों की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार है और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जो जो हमने कहा है वही हम करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने कर दी।